आज मैं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर खुशामद कहती हूँ और आज ट्वेंटी थर्ड मार्च सेलिब्रेशन के मौके पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ मेरा नाम फातिमा नैर है पर मैं उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से ज्यादा जानी जाती हूँ मेरी पर्सनैलिटी यहाँ रियाद वालों के लिए कोई नई नहीं, नहीं है मुझे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी उन लोगों को जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ये कहूंगी कि हम लोग जो अपने मुल्कों से बाहर रहते हैं हमें अपना नाम बनाने के लिए बल्कि अपने मुल्क का नाम बनाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है और मैं उन खुश नसीब पाकिस्तानियों में से हूं जिसने अपना अपने मुल्क का नाम सऊदिया अरब जैसे मुल्क में माशाल्लाह से अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन किया है आई काउंट माई सेल्फ एज प्राउड पाकिस्तानी सऊदिया में रहते हुए मैंने यहां पर सऊदिया का सबसे बड़ा लेडीज प्लेटफॉर्म बनाया है जो के uh, सयदात ग्लोबल के नाम से मशहूर है इस प्लेटफॉर्म में तकरीबन 26,000 लेडीज uh, शामिल है हमारे प्लेटफॉर्म में इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं तकरीबन 17-18 साल से एज सोशल वर्कर एज मोटिवेशनल स्पीकर एज लाइफ कोच इन्फ्लुएंसर सोशल एक्टिविस्ट और इवेंट प्लानर के तौर पे काम कर रही हूँ इसके अलावा मेरी मेट्रोमोनी सर्विसेज भी हैं बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट ये इस जो मेरी ये वाली साइड है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कि मेरा प्रोफेशन क्या है क्योंकि बहुत सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ तो अक्सर लोगों को पता नहीं है कि मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ और इस शोबे में भी अल्लाह ताला के हुक्म से मैं काम करती हूँ हाल ही में आज मैं इसीलिए अभी थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर उन लोगों के लिए कराया है जो मुझे नहीं जानते हैं तो आज जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे पीओसीजी के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर ये तशवीश भी है क्यूरियस भी हैं जानना भी जाते हैं और जब से मैंने फेसबुक पर ये ऐलान किया है कि मैंने पीओ सी जी को ज्वाइन क्यों किया है तो उस हवाले से बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए हैं पर्सनल मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे लोगों में इस तरह की क्यूरियोसिटी है कि आखिर मैंने इनको ज्वाइन क्यों किया है तो मैं उन सब का जवाब आज आ, लाइव देना चाहूंगी कि मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन को इस एनजीओ को ज्वाइन करने के पीछे क्या मेरे ख्याल हैं तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चेयरमैन पी ओ के चौधरी अजहर वड़ाइच साहब का और जिन्होंने मुझे यहाँ पर पी ओ सी जी के लिए प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट किया है उनके साथ साथ दो और हस्तियां हैं जो मुझे बहुत अजीज हैं उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगी जिनमें एक तो सदा नुमरा मोहसिन शामिल हैं और दूसरे इम्तियाज अहमद साहब भी हैं इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर जो है वो अहतम किया मुझ पर भरोसा किया मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं जैसे कि मुझे इस एन जी ओ से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हम हम लोग साथ मिलकर एक स्ट्रॉग टीम माशाला से जिस तरह से मैंने अपने बारे में बताया इस तरह से नुमरा मोहसिन साहिबा भी इम्तियाज साहब भी वाइज साहब भी सब लोग माशा से कम्युनिटी के लिए सालों से काम करें तो इसीलिए मैंने अपने बारे में भी यहाँ पर बताना चाहा और बताया कि हम लोग एस टीम माशाल्लाह से कुछ इस तरह का इरादा किया है कि मिलकर एम, एम्बेसी के साथ मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर मुझे इन्होंने प्रेसिडेंट जो लेडीज आ, विंग है रियात रीजन की उसका प्रेसिडेंट बनाया है तो हमारा इन तरह का इरादा है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे और औरतों के जो भी मसले मसाइल हमारे पास ऑलरेडी जो आते रहे हम करते रहे आगे भी एम्बेसी के साथ मिलकर हम लोग इन काउंसलिंग और जो भी कम्युनिटी हेल्प होगी हम लोग मिलजुल कर जो है इस पर आ, इस पर काम करेंगे लोगों की मदद करेंगे अच्छा किसी ने मुझसे पूछा था कि आ, 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 आपके आगे ज्वाइन तो कर लिया है मगर आगे आपके टारगेट्स क्या हैं तो मेरे कुछ टारगेट्स हैं कुछ एम्स हैं जो मेरे काफी अर्से से हैं और एन जी करने का मेरा मकसद भी ये था कि जो मेरी जो ख्वाहिशात हैं मैं उसको अमली जामा जिसको कहते हैं वो पहचाना पहनाना चाहती हूँ इन इन सब की मदद से अब हम इस इस फैसले में और अपनी जो ख्वाहिश है हमारी जो हमारे टारगेट्स हैं जो हमारे गोल्स हैं उसमें हम किस हद हाँ तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त और हालात इनशा तला हमें बताएंगे पर एक मेरी ख्वाहिश है तो मैं अपनी सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करूंगी जो मैंने अभी तक किसी के साथ जिक्र नहीं किया सिर्फ ख्वाहिश का कर इजहार करती हूँ आगे आप सबकी दुआ चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकासद में जो है कामयाब करें एक तो जो जो इंसान इतने सालों से एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और औरतों के साथ शाना बशाना खड़ा है सालों से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कम्युनिटी में क्या मसले मसाइल हैं उस वो उनके बारे में नहीं जानता हो तो मेरे पास औरतों के और फैमिलीस के आदमियों के हर तरह के मसले मेरे पास आते हैं जो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हम इनको मिल मिलाकर हल करें और हल करते रहे हैं अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह तो तीन ख्वाहिशात है मेरी एक तो ये कि मैं ए, मैं यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तानी स्कूल है दो ऑलरेडी हमारे पास रियाद में स्कूल्स हैं एक पाइसर है और एक पाइसिस है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम लोग एक स्कूल की पाकिस्तानी स्कूल की एक और हमारे रीजन के अंदर जरूरत है क्योंकि जो ये हमारा आ, आ, स्कूल है वो आ, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है और पाकिस्तानियों की जो तादाद है यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मजबूरन जो जो लोग ब्रिटिश करिकुलम लेना चाहते हैं मगर बिल्डिंग की शॉर्टेज की, की वजह से उसके छोटे होने की जगह जगह के कम की वजह से उनको फिर दूसरा स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक पाकिस्तानी स्कूल की रीजन के अंदर और जरूरत है उसके अलावा हमें एक औरतों के शेल्टर की भी जरूरत है यहाँ एक्सप्रैक्ट के लिए औरतों के लिए कोई शेल्टर नहीं है हमारे पास इमिडियट केसेस आते हैं जिसमें हम उनकी मदद करना चाहते हैं कि और औरतों को हम टेम्परली कोई एक शेल्टर में जगह दें जहां पर कुछ रख के हम अगर उनको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं कुछ इस तरह के उन, उनके साथ मिसहैप हो गया तो हमें कोई शेल्टर नहीं मिलता फिलहाल हम इधर उधर दोस्तों के साथ मिलकर हम उनको ठहराते हैं और इस तरीके से केसेस हल करते हैं तो हमें एक शेल्टर की भी जरूरत है इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं यहाँ ऑटिज्म या स्लो लर्नर्स वगैरह जो हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए भी एक्सपर्ट्स के लिए ऐसा सच कोई आ, कोई आ, नहीं है यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह जो यहाँ पर स्कूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो आ, कुछ है स्कूल्स वगैरह मगर आम जो पब्लिक है हमारे पाकिस्तानी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वो स्कूल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं तो इसीलिए हमें एक ऑटिस्टिक स्कूल की ए, ए, उसकी भी हमें जरूरत है अब ये हमारे सिर्फ एक एम्स हैं टारगेट्स हैं हम इसमें कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं इसके लिए हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों की हमें दुआएं चाहेंगी दोबारा मैं कहूंगी इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी कम्युनिटी का और इन लोगों का जिन्होंने मुझ पर एहतम किया और आज हम सब मिलके हमने ये अहद किया है कि हम इसको नर्चर करेंगे अपनी मोहब्बत से अपनी मेहनतों से और इस एनजीओ को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे और आ, मुझे बहुत, आ, बहुत पुर उम्मीद हूं कि मैं इन शाह हम लोग सब मिलके जो है वो आ, काम करेंगे जरूर इसके आगे ट्वेंटी थर्ड मार्च के हवाले से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये अगर क़रारदाद जो है करारदाद पाकिस्तान जो है उन्नीस में अगर ये ना मंज़ूर हुई होती तो, तो इसके बगैर इतना बड़ा जो मुल्क जिसमें हम आज़ादी के साथ सांस लेते हैं और अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी कहते हैं तो हम वो सांस नहीं ले सकते थे इसके बगैर इतना बड़ा तारीखी फैसला नहीं हो सकता था अगर ये करारदाद पास नहीं हुई होती और इसके बगैर जो सरहद की हदूद है वो भी डिफाइन नहीं हुई होती तो शुक्र है शुक्रिया है जो हमें कहूंगी वो जो मशहूर गाना है शुक्रिया पाकिस्तान का वो बिल्कुल सही लिखा है जिन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का वाकई शुक्रिया है पाकिस्तान और उन तमाम मोहसिनों का जिनमें कादी आजम लियात अली खाना इकबाल और बहुत से मोहसिन हैं जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इस धरती को सहचा है हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें मैं समझती हूँ वो आ, कम है अब शुक्रिया किस तरह से अदा किया जाता है कि वो उन लोगों ने अपना पैगाम दे दिया काम कर लिया एक मुल्क बनाया आजादी दी और हम आज सांस ले सकते हैं पर अब इस आजादी को ले लिया सब कुछ कर लिया अब आगे हमारा काम क्या है कि इस मुल्क को अल्लाह और अब इस मुल्क को ला लाला मोहम्मद रसोल्ला के ऊपर जो है वो कायम करना है अल्लाह के बताए हुए हुक्म पर अमल करना है और जो है आप के तरीके तरीके जो बताए हुए तरीके हैं उस पर अमल करके इस मुल्क को कर मेहनत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सबको ईमान के साथ ईमान की, की पुख्तगी के साथ एक दूसरे को लेकर आगे चलना है आज के दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक दिया ना जलाएं एक सिर्फ केक ना काटें या ताली ना बजवाएं या सिर्फ गाने वाने गा के उठ ना जाए मैं कहती मैं समझती हूँ कि आज जब हम इस इस खुशी को जो हम मनाने जा रहे हैं वो जब मनाकर हम उठे तो एक जज्बे के साथ उठे और एक फैसला करके उठे कि हम सिर्फ शमानी जलाएंगे जरूर आज एक ऐसी ईंट लगाएंगे कि हम अपनी जिंदगी को बदल कर यहाँ से उठेंगे और एक ऐसा फैसला करके उठेंगे कि इन शाह हम पाकिस्तान को जो है वो बहुत आगे लेके जाएंगे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी प्रोग्राम को हम लोग जो है वो लेकर अच्छा मैं एक जिक्र जो है यहाँ पर करना चाहती हूँ खासतौर से इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि वो जो मोहसिन है कैद अजम और उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन सब को तो हम लोग जानते हैं और उन सब का जिक्र हम बचपन से अपने में पढ़ते हुए भी चले आ रहे हैं दो तो ऐसे मोहसिन है जिन जो पाकिस्तान में जिनको रिकग्नेशन तो मिली है मगर मैं समझती हूँ उनके साथ वो इंसाफ नहीं हुआ और उनको वो पजीराई और वो रिकग्निशन नहीं मिली जो कि उनको मिलनी चाहती तो उनका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूंगी जिनमें से एक ईदी साहब हैं अब्दुल सत्तार ईदी और एक जो है हकीम सईद साहब हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए और ऐसे काम के लिए ऐसे काम किए हैं जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है तो मैं चाहती हूँ इन सब के लिए भी आप लोग पुरजोश तालियां बजाएं और इन सबको और ज्यादा रिकग्नेशन दिलाएं बल्कि मैं समझती हूँ कि इनका जिक्र हमारे निसाब में हमारे कोर्स की किताबों में बच्चों की किताबों में शामिल होना चाहिए ताकि और अब्दुलस्तार ईदी पैदा हो ताकि और जो है हकीम सही जैसे इंसान पैदा हो और हमारे माशरे में बदलाव और बेहतरी आए इन शाह आगे बढ़ते हैं जनाब